हेलो एवरीवन, देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स। चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें हमने मॉड्यूलस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को कैसे निकालते हैं, राइट, इन सब पर हमने बात की थी और जिनका यूज़ आपको इस चैप्टर में आज देखने को भी मिलेगा। तो लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का टॉपिक बार बार पूछा जाता है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है आर्क लेंथ और कैसे आर्क लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, राइट, इस टाइप से कोई इक्वेशन है, देन हम उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लेट्स से आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, तो सबसे पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि हम डी आर अपॉन डी टी को फाइंड आउट करेंगे। और जिन्होंने मेरी फिजिक्स की वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा हम डी आर अपॉन डी टी को आर डॉट भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमको सबसे पहले आर डॉट को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आर डॉट का मोड निकालेंगे। कैसे हम मोड निकालते हैं, राइट, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। लेट्स से कि आर डॉट की वैल्यू आती है एक्स कोमा वाई कोमा जेड की फॉर्म में, तो इसका जो मॉड्यूलस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, सो सिंपल, राइट, ये होता है मोड। उसके बाद हम लिमिट टी जीरो से टी में इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको ही हम कहते हैं आर्क लेंथ, राइट। चलिए क्वेश्चन की सहायता से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, राइट, इसकी हमको लेंथ निकालनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीरीज है, इसको करने के लिए हम कृष्णा पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करेंगे, तो जिनके पास वो बुक है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो डोंट वरी, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और ये लिटरली UPSC 2011 में भी पूछा गया है, तो सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसमें हमको लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास है आर ऑफ टी, हमको दिया हुआ है और हमको पॉइंट दिए हुए हैं फ्रॉम A00 टू A02 पाई सी। सबसे पहले क्लियरली फ्रॉम द पॉइंट A00, तो A00 में से हम T0 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हो जाएगी 0 एंड पॉइंट A02 पाई सी, इसमें T1 की वैल्यू हो जाएगी, या मैं कहूँगा T क्योंकि हमने यहाँ पर T कहा, T की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, तो हमारे पास लिमिट आएगी 0 to 2 पाई। नाउ हमारे पास R ऑफ T दिया हुआ है, R ऑफ T इज इक्वल टू A cos T, A sin T एंड सी टी, राइट, सी टी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमको आर डॉट निकालना है, दैट मीन्स आर डॉट, दैट मीन्स इसको हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस ए साइन टी, क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन, ए कोस टी क्योंकि साइन टी का होता है कोस टी, एंड यहाँ पर हो जाएगा सी क्योंकि टी का हो जाएगा 1। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है। नाउ उसके बाद हमको क्या करना था, इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना था। कैसे करेंगे हम, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, क्योंकि माइनस का हमारा यहाँ पर स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लूँ, अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर एंड दैट्स अंडर रूट, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, राइट, तो आर डॉट एंड इसका मोड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ये। नाउ फॉर्मूला हमारे पास होता है आर्क लेंथ का, हमने अभी पढ़ा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू टी जीरो टू टू टी, टी जीरो हमारे पास है 0 0 एंड हमारा यहाँ पर टी है 2 पाई, मोड्यूलस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी टी, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोई टी की वैल्यू, टी का तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये एज एन कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि इसमें कोई टी ही नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट 0 to 2 पाई 1 डी टी, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी, राइट, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू टी यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट टी 0 to 2 पाई। हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट 2 पाई माइनस 0, या मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारे यहाँ पर ये आ जाएगी, राइट, तो यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इस तरह से आर्क लेंथ के क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस, राइट, ये प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारा इसने हमको कहा टू सर्फेसिस के इंटरसेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं इसको कैसे करते हैं, राइट, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसने बात की टू सर्फेसिस की, तो सबसे पहले जो तो दो सर्फेसिस हैं उनको कंसीडर करते हैं। सो लेट्स F1 x, y, z एंड F2 x, y, z आर द टू सर्फेसिस, आर द टू सर्फेसिस, राइट। इसने जो दो सर्फेसिस की बात की, हमने यहाँ पर ये दो सर्फेसिस को कंसिडर किया, टू सर्फेसिस। देन डिफ्रेंशिएटिंग, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन है, डिफ्रेंशिएटिंग सर्फेसिस विद रेस्पेक्ट टू U, ये जो सर्फेसिस आई है हमारी F1 और F2, इनको अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू U डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल F1 अपॉन डेल U। मैंने आपको बताया था किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल F1 अपॉन डेल U प्लस डेल F1 अपॉन डेल U, डेल X, डेल X, डेल Y, डेल Y, डेल Z और डेल Z। उसी प्रकार अगर मैं दूसरी सर्फेस को हमारा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा डेल F2, इधर भी हम विद रेस्पेक्ट टू यू ही करेंगे, डेल F2, डेल U, डेल F2, एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल U, यहाँ पर हो जाएगा डेल X, डेल X, डेल Y, डेल Y, डेल Z और डेल Z, ही अब हमारा यहाँ पर आ जाता है इनके डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू, राइट। डेल X अपॉन डेल U, देखिए डेल X अपॉन डेल U ये जो है, डेल X अपॉन डेल U, राइट, ये जो है इनको मैं यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकता हूँ, इनको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स, जिस प्रकार हम डेल एक्स अपॉन डेल टी को एक्स डॉट लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम डेल एक्स अपॉन डेल यू को भी हम यू डॉट लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनको इनको लिखा जा सकता है डेल F1 अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर एक्स था तो ऊपर एक्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स डॉट, यहाँ पर ये एक्स है, प्लस डेल F1 अपॉन डेल वाई, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई डॉट, प्लस डेल F1 अपॉन डेल Z, यहाँ पर ये हो जाएगा Z डॉट, राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डेल F2 अपॉन डेल X, X डॉट, प्लस डेल F2 अपॉन डेल Y, Y डॉट, प्लस डेल F2 अपॉन डेल Z, Z डॉट, इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या निकालना है, टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन, आइए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक्स डॉट अपॉन, यहाँ पर जो एक्स डॉट है इसको हम छुपा लेंगे और इनकी वैल्यू जब हम इसमें गुणा करेंगे तो डेल F1 अपॉन डेल Y, डेल F2 अपॉन डेल Z, इसकी गुणा इसमें, राइट, इसकी गुणा फिर इसमें होगी, माइनस डेल F1 अपॉन डेल Z, डेल F2 अपॉन डेल Y इज इक्वल टू वाई डॉट अपॉन, यहाँ पर ये माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा बीच का, इसको हम छुपा लेंगे तो इसकी गुणा इसमें, देन इसकी गुणा इसमें, यह हो जाएगा डेल F1 अपॉन डेल X, डेल F2 अपॉन डेल Z, माइनस डेल F1 अपॉन डेल Z, डेल F2 अपॉन डेल X। उसी प्रकार से हम Z वाला करेंगे इज इक्वल टू Z डॉट अपॉन, देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा Z डॉट अपॉन, देखिए Z डॉट के लिए हम यहाँ पर इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा डेल F1 अपॉन डेल X इंटू डेल F2 अपॉन डेल Y, डेल F1 अपॉन डेल X, डेल F2 अपॉन डेल Y माइनस डेल F1 डेल Y इंटू डेल F2 अपॉन डेल X, राइट, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो माइनस है इसको हम माइनस के अंदर, ये पहला डेल F1 अपॉन डेल Z, डेल F2 अपॉन डेल X, इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा डेल F1 अपॉन डेल X, डेल F2 अपॉन डेल Y, और ये हमारा यहाँ पर एज इट इज हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस, राइट, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है डायरेक्शन कोसाइन, राइट, तो ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन था। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व है हमारे पास x इज इक्वल टू दिस,
3 cos hyperbolic 2u, y is equal to 3 sin hyperbolic 2u, and z is equal to 6u. Point है हमारे पास u is equal to 0 to u is equal to 0, 5, right? 5. इससे पहले हम यहाँ पर ये question solve करें, आपको थोड़ा सा basic समझना होगा. देखिए हमारे पास cos hyperbolic है, हमारे पास cos hyperbolic u, हमारे पास sin hyperbolic u, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. देखिए जो differentiation होता है, डिफ्रेंशिएशन, लेट से हम यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा cos u का, cos हाइपरबोलिक u का क्या होगा, वो हो जाएगा sin हाइपरबोलिक u, ना कि माइनस sin हाइपरबोलिक u, ये आपको याद रखना है. उसी प्रकार d अपॉन डी यू sin हाइपरबोलिक u का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक u, ना कि माइनस cos हाइपरबोलिक u, तो इसमें माइनस किसी में भी नहीं आता, ये आपको याद रखना है. दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करता हूँ cos हाइपरबोलिक u को, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा sin hyperbolic u, क्या हो जाएगा sin hyperbolic u, तो इसमें भी माइनस नहीं आएगा. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको इसमें याद रखनी थी इस क्वेश्चन में. देखिए हमारे पास x की वैल्यू दी गई है y एंड z, तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू x, दैट इज 3 cos hyperbolic 2u, y दैट इज 3 sin hyperbolic 2u, एंड z दैट इज 6u, राइट. सबसे पहले आर्क लेंथ में हमको आर डॉट चाहिए होता है, दैट मींस डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर अपॉन डी यू, राइट. तो आर डॉट यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 3 कोस हाइपरबोलिक 2u, 3 बाहर कोस हाइपरबोलिक 2u का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2u, एंड 2u का हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 साइन हाइपरबोलिक 2u, राइट, 6 साइन हाइपरबोलिक 2u. उसी प्रकार से ये भी 6 कोस हाइपरबोलिक 2u, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 6, राइट, यहाँ पर ये हो जाएगा 6. नाउ देखिए ये तो हमारा यहाँ पर r डॉट की वैल्यू है, लेकिन हमको हमारा यहाँ पर आर्क r डॉट का मॉड्यूलस भी चाहिए होता है, राइट. तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एंड देन अंडर रूट, दैट इज राइट. तो ये हो जाएगा 36 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस 36 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस 36 प्लस 36 36 हमारा यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u. 36 को अगर मैं यहाँ पर बाहर लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6, एंड आपको अगर याद हो एक फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस 1 इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u, यहाँ पर ये 2 है, 2u है, तो हमारा यहाँ पर ये 2u ही हो जाएगा, राइट, 2u. तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये होता है, आपको ये पता होगा. तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू बेसिकली कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, राइट, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है. तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u का अंडर रूट, राइट, ये जो फॉर्मूला होता है इसकी वैल्यू अपने यहाँ पर रखी है. नाउ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u का अंडर रूट, या हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 कोस हाइपरबोलिक 2u, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2u, दैट इज द वैल्यू ऑफ r डॉट का मोड, राइट. नाउ आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारा यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 0 टू 5, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्लियरली लिमिट इस बार दी हुई है, हमारे पास 0 टू 5, 0 टू 5 आर डॉट का मोड, दैट इज 6 अंडर रूट 2 कोस हाइपरबोलिक 2u, यहाँ पे हो जाएगा डी यू. नाउ 6 अंडर रूट 2 चूँकि कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस का होता है, देखिए मैंने क्लियरली हमारा यहाँ पर हमने बताया था कि जो कोस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हो जाता है साइन हाइपरबोलिक यू, क्योंकि हमारा यहाँ पर यू है, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक. कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये बाकी की तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो चलिए हम इसको समझते हैं. देखिए जो कोस हाइपरबोलिक 2u है, या जो कोस हाइपरबोलिक u होता है, वो मैंने आपको बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन हाइपरबोलिक u होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है कोस हाइपरबोलिक 2u है, तो जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2u अपॉन 2, ये जो 2u है इसका 2 नीचे आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 टू 5, एंड 6 अंडर रूट 2 हमारा यहाँ पर ये बाहर ही है एज यूजुअल. इसको जब हम यहाँ पर ये जो लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 10 माइनस साइन हाइपरबोलिक 0 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, एंड ये हमारा यहाँ पर 2 से
ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3√2 साइन हाइपरबोलिक 10, राइट। तो ये वैल्यू हमारा, ये जो वैल्यू है 3√2 साइन हाइपरबोलिक 10, ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है। देखिए आर्क लेंथ में एक और प्रश्न हमारे पास है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ हेलिक्स। इसमें जो आर्क लेंथ हमको निकालनी है वो कंप्लीट टर्न की निकालनी है, दैट सिंपली मीन्स कि जो लिमिट होगी वो 0 to 2π होगी, दैट इज कंप्लीट टर्न। क्वेश्चन आर की वैल्यू हमारे पास a cos u, a sin u एंड b u। आई होप आप इसको कर लोगे, आसान है राइट, क्योंकि हमको हमारा लिमिट पता है, r पता है, सिंपली r डॉट निकालना है, देन उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है राइट। तो ये था आर्क लेंथ का हम कैसे निकालते हैं राइट। तो दैट्स इट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आर्क लेंथ टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं जल्दी राइट नए टॉपिक के साथ।